हे गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज संडे है तो मैं अपना व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY नाइट क्रीम जो ना स्मूथ करेगा आपकी स्किन को और रिंकल्स को भी कम कर देगा। तो आइए देखते हैं कि आज कौन सा वाला मैं नाइट क्रीम बनाने वाली हूँ। उसके बाद कुछ सामान आया है तो उसे अनबॉक्सिंग करेंगे। आज योगा करूंगी मैं, क्योंकि संडे को मैं थोड़ा लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन योगा करती हूँ, जो आपको टाइम लैप्स पे दिखा दूंगी। ओके, और मूड मध्यम सा है, थोड़ा सा लगाया था ऑयल और ऑयल लगाऊंगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके अपने हेयर ट्रिम करा लूँ, क्योंकि एवरी 3 मंथ्स यू शुड ट्रिम योर हेयर, तो ग्रोथ जल्दी होती है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं, पहले क्रीम तो बना लूँ। नाइट क्रीम
भी मेडिसिन और आपको आराम से इसको घर पे ला सकते हैं। लेट मी ओपन व्हाट इज कमिंग। ये मैंने 150 रुपीज में चार आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स बनाए हैं, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट शूट करते हैं किचन में या कहीं पे भी, तो अगर वो फ्लावर पॉट या कुछ भी रहे प्रॉपर्टी, तो ये आर्ट डिजाइनिंग है जिसकी मुझे पहले कभी आदत नहीं थी, पर अब मैं कर लेती हूँ। आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ओके, क्योंकि किचन में ओरिजिनल फ्लावर्स आप नहीं लगा सकते, कुंडला जाते हैं येलो वाला। तो ये चार मुझे सिर्फ मिले हैं 150 रुपीज में। मेरे पास पहले भी था, पता नहीं कहाँ खो गया, तो आज ही मैंने मंगाया है बोरोसिल का टीपॉट। मतलब ये बोरोसिल का ये मतलब होता है कि हीट रेजिस्टेंट होता है, और आप इसको गैस पे रख सकते हैं, माइक्रोवेव में डाल सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं। मतलब इसमें वो हो जाएगा ना कि मैं अगर कोई चीज़ आपको बताऊंगी बॉईल कर रही तो आपको दिख जाएगी, इसलिए मैंने मंगाया है, वरना तो मेरा तो काम चल ही जाता था यार, जो भी पतीले होते थे। पर दिस पॉट, ये रहा मेरा 30 मिनट सेशन टाइम लैप्स पे, अच्छे से योगा किया, बहुत मज़ा आया, इतना पसीना निकला, माय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती। योगा लगता तो आसान है, होता नहीं। अब मैं हेयर ऑयल लगा रही हूँ अपने, जैसे मैंने बोला था, तो मैंने खूब अच्छे से मालिश की मेरे मैजिक ऑयल से, जो आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा मेरे, है ना। यार नहा के बाल गीले हैं और हेयर कट के लिए बहुत गीले हो रही हूँ, दिस माय आउटफिट ऑफ द डे, आई रियली लव दिस। और ये आपका फैशन लेटेस्ट एक साइड से उसको इन करना, ये मेरी बर्थडे वाली जीन्स है। चलिए मिलते हैं हेयर सैलून में, माय फेवरेट लेमन। ऑटो इज द बेस्ट। तो मैं पहुंच गई लेमन ओशिवारा, मेरा फेवरेट, जब से शुरू हुआ है वहीं जाती हूँ। और ये मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है शाहनवाज, बहुत ट्रस्ट है मुझे इन पे कि मेरे बाल इनके हाथों में सेफ रहेंगे। बाल लड़की के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोग भी जानते हैं। तो मैंने आज उनसे जिद की कि नहीं, मैं अपना वाला कलर नहीं, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, जंगली टाइप मतलब वाइल्ड। तो उन्होंने पहले मेरे बाल काटे और वो मेरे बालों को ट्रीट कर रहे हैं, और मैं इसे स्ट्रीक करा रही हूँ, मतलब टिंट करा रही हूँ, मैं पूरे बालों में ही कलर करा रही हूँ। तो वो ये कलर लगा रहे हैं, वो शाहनवाज मेरे हेयर स्टाइलिस्ट फ्रॉम लेमन ओशिवारा, बहुत ही अच्छे उम्दा हेयर स्टाइलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा असिस्ट करता रहा उनका बेटा सैफ, जिसने आगे जाके मेरे वो वीडियोस भी लिए हैं। तो शुक्रगुजार हूँ मैं लेमन ओशिवारा और उसके स्टाफ की, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छा फील करवाया है। बाल काटना, बाल कलर करना, ड्राई करना बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर होता है, पर जहाँ आपको अपनापन मिलता है ना, मुझे तो जहाँ अपनापन मिलता है मैं वहीं ठहर जाती हूँ। तो ये है शाहनवाज, और प्लीज़ लेमन ओशिवारा में जाइए, उन्हीं से करवाइए अपना ट्रीटमेंट, देखिए मज़ा। Thank you.
हेयर कट, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने हेयर कट किया था जनवरी में बर्थडे में, और तब उन्होंने मुझे रेड टिंट्स दिए थे। लेकिन मेरा मन था कि मैं कुछ नया करूं, तो आउटफिट तो देख ही लिया है आपने, अच्छा लग रहा है ना। और बाल मेरे देखिए, तो आई होप आप लोगों को मेरे ये नए बाल पसंद आ रहे होंगे। कुछ ना कुछ नया तो करना ही चाहिए ना जिंदगी में, थोड़ी ना वही वही चीजें करो फिर बोर हो जाओ। और हाँ, मैं मास्क पहन के गई थी और मास्क पहन के आई हूँ, क्योंकि केसेस आर इंक्रीजिंग एंड देयर इज अ न्यू वायरस दैट हैज कम। तो एहतियात बरतिए, बेटर सेफ देन बी सॉरी। तो आई होप आपको आज का मेरा ये संडे वीलॉगिंग पसंद आया होगा। कुछ बॉक्सेस खोले हमने, फिर कुछ चीजें बनाई हमने, और ये देखिए आज का डे था पूरी तरह से रिलैक्स्ड होके चीजें करने का, क्योंकि हमेशा हम एक प्रेशर में रहते कि अरे हाँ ये करना है ये नहीं करना है, तो वो प्रेशर ना लेते हुए मैंने वही किया जो मुझे करना था और वो सब करके आई, और अब मैं बहुत खुश हूँ। और आज का वीलॉग हम यही खत्म करेंगे, जिसमें मैंने एक छोटी सी जो चीज बनाई है, जो DIY क्रीम बनाया है, वो बहुत ही अच्छा है, आप उसको यूज कीजिए। अब मैं कुछ गिटार प्रैक्टिस करूंगी, खाना खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी फॉर अ मंडे। ओ माय गॉड, ज्यादा तो नहीं लग रहा ना, बस दो दो ये दो स्ट्रैंड करने के लिए ना इतना टाइम गया है। और चूंकि मैंने अपने हेयर रेमेडीज सारी खुद की है, तो मेरे बाल बहुत अच्छे से बड़े थे इस बार और बहुत ज्यादा हेल्दी थे मेरे बाल। मेरे हेयर ड्रेसर ने बोला मुझे कि आपने क्या किया है बालों में, आपके बाल इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं। तो आई होप नहीं, मॉम बोलेगी पागल हो गई, ये क्यों कर रही है ऐसा, पर कभी कभी पागल होना जरूरी होता है ना, वाकी कुछ भी करो मतलब टाइप्स। तो आई होप यू लाइक माई वीलॉग, प्लीज बहुत पेशेंटली वेट कर रही थी, और जल्दी मिलेंगे अगले लिविंग अलोन वीलॉग्स में। तो जरूरी नहीं है कि हाँ मैं अपने बालों को देख रही हूँ, और एक भी कुछ पैकेट आया है तो देखते हैं उसको बाद में खोलेंगे, इतना अनबॉक्सिंग करने का मन नहीं है बिल्कुल। भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। तो ये कुछ आया है, आई थिंक ये वही है ब्लू कलर जो मैंने मंगाया था, बट देन आई थॉट अगेंस्ट कि नहीं आपको खुद नहीं करना है, आपको जो है बिल्कुल पार्लर में जाके प्रॉपर हेयर केयर के साथ, क्योंकि वो लोग कंडीशनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, उसके बाद होता है आपका ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए मैंने किया। आई होप यू लाइक दिस, आई एम लाइकिंग इट बिकॉज इट्स डिफरेंट, है ना डिफरेंट। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है हमने, पर बीइंग अलोन एंड लोनली इज टोटली डिफरेंट। यू कैन बी रियली नाइस टू योरसेल्फ। आई विल शो यू व्हाट इज देयर टू ईट टुडे फॉर मी ऑन माय प्लेट, एंड देन आई एम गोइंग टू साइन ऑफ नाउ, एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग ऑफ माइन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज, पुट योरसेल्फ फर्स्ट, और अपना ध्यान रखिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, खूबसूरती का अपने ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, है ना। ये शरीर मिला है हमें एक एक्सपीरियंस करने के लिए, तो बी काइंड, बी कंपैशनेट, बी लविंग टू अदर्स एंड सेट योर बाउंड्रीज राइट। अगर आपको ट्रिगर कर रही है चीजें, तो आप अच्छे से जय शांति ओम शांति करके साइड में आ गई। सीख रही हूँ, मुझे नहीं पता था ना, हम फिल्म बनाते हैं तो आर्ट डायरेक्टर होता है, ये होता है, टीम होती है पूरी, यहाँ पूरी टीम भी मैं हूँ और सब कुछ मैं हूँ। तो अभी मैंने जैसे मैं कोई चीजें बनाऊंगी ना, उसके लिए मैंने ये आर्टिफिशियल पॉट्स लिए हैं, क्योंकि व्हेन यू वर्क इन द किचन आप रियल प्लांट्स नहीं रख सकते, वो मुरझा जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा मिला, 150 में चार मिले हैं ऐसे, ये देखिए है ना मजेदार। तो अब मैं जा रही हूँ अपना खाना एंजॉय करने और अपना संडे आराम से बिताने, कुछ देखूंगी, कुछ वीलॉग्स देखूंगी, कुछ टेलीविजन देखूंगी और सो जाऊंगी।
आप भी अच्छे से सोना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीलॉग में, एक नए वीडियो में कुछ नई चीजें लेके। आज स्किन के लिए बताया था, तो चलो नेक्स्ट टाइम हम हेयर के लिए बताएंगे, ताकि बाल कलर के बाद स्पेशली बहुत ड्राई होते हैं, तो इसलिए हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे कि वो ड्राइनेस नहीं रहे और कलर हमेशा कलर भी रहे और बाल सॉफ्ट रहे। ओके, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। और हर बार वीडियो देखने आते हो तो लाइक बटन क्लिक करो, क्या जाता है, क्लिक ही तो करना है। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टाटा, लव यू।